आज शहर के स्थानीय होटल में भाजपा नेता अरविंद खटीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं जो सरासर झूठे हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उनके परिवार की मधुवन में 8.75 एकड़ की कृषि भूमि, जो प्रेमलाल, ओम प्रकाश, संजय, अरविंद खटीक के नाम है, उस पर उन्हें निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। विरोधी जो उस रास्ते पर काबिज हो गए हैं वह दिग्गी साहू, जगदीश साहू, श्रीराम हैं। इन लोगों ने उस हमारे कृषि भूमि पर रास्ते पर कब्जा कर लिया है। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उल्टा हम पर ही झूठे निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। 5 साल से रास्ते के लिए गरीब दलित लोग परेशान हैं। पूरा रकबा लगभग 23 एकड़ जमीन का है। सारे सरकारी रास्ते मेड़ पर भूमाफियाओं का कब्जा है। हमारे खेत पर जाने वाले रास्ते पर तार फेंसिंग से बंद कर दिए गए हैं। हमारे परिवार को जबरन परेशान कर रहे हैं और जमीन बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी किसान बिना रास्ते के नहीं रहेगा, उसको रास्ता शासन द्वारा दिया जाएगा। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। यही तो वैधानिक कार्रवाई है, जो तहसीलदार साहब गए हैं रास्ता खुलवाने के लिए, यही वैधानिक कार्रवाई है, यही वैधानिक कार्रवाई है। लेकिन उस दिन उन पर इतना दबाव बनाया गया कि वो उल्टे पांव वापस, अब हमको पता नहीं है किनके द्वारा दबाव बनाया, हमको पता नहीं है किनके द्वारा, लेकिन बड़ी राजनीतिक शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि ये रास्ता हो। ये गलत है, सरासर गलत है। एक मिनट, प्रशासनिक दबाव मेरा होता, सुनो भैया, प्रशासनिक दबाव अगर मेरा होता तो मैं अपने खेतों पर जाता। मेरा परिवार 5 साल से परेशान है, एक दाना नहीं हो रहा मेरे परिवार के यहाँ। वो लोग आ गए हैं तो वो खेती कर रहे हैं। अरविंद जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि मौका स्थिति पर तहसीलदार, आरआई, पटवारी, पूरा पुलिस दलबल था, तो ये किसके इशारे पर गया था? इशारे पे नहीं, हमने, हमारे पिताजी ने 181 पर शिकायत, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पर ये मौके पर गए तहसीलदार। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत है कि हमें खेतों पर जाने के लिए रास्ता दिलाया जाए। ये सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के आधार पर गए थे, ये किसी के उस पर नहीं गए थे। वहाँ पर कोई जगदीश साहू है, उसने तहसीलदार पर आरोप लगाए थे कि 27 तारीख को एसडीएम, माननीय एसडीएम कोर्ट पर हमारा मामला चल रहा है, तो 22 तारीख को ये लोग गए थे भैया, जिसको तहसीलदार ने निरीक्षण बताया था। एक मिनट, इसके बारे में आपका क्या कहना चाहते हैं? अकरम भैया, 250 का दावा हमारे पिताजी ने लगाया था कि हमको 250 में रास्ता खाली करवाया जाए जिससे हम लोग अपने खेतों पर पहुँच सकें, तो 250 का दावा होता सिविल कोर्ट की कार्रवाई। अगर वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ उन पर दबाव बनाया गया और वो वापस आ गए। आपकी इस मामले में अब आगे कार्रवाई क्या होगी, आपकी क्या मांग है? हम तो जो राजस्व के अधिकारी डिसीजन देंगे हम उनको मानेंगे और स्वीकार करेंगे, और हमारे परिवार पर इस जमीन को बेचने का दबाव बनाया जा रहा है उसी दिन से कि आप जमीन बेच दो। लेकिन केवल जमीन हमारे कारण नहीं बिक रही, हमारे परिवार के लोगों पर प्रलोभन देकर दबाव बनाया जा रहा है कि इस जमीन को बेच दो, लेकिन उनके भूमाफियाओं के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये खेती की जमीन हमारे परिवार की है और हमारे परिवार के लोग ही खेती करेंगे। साथियों, आप सबको मालूम है 2-3 दिन से ये जो चक्कर चल रहा है, मेरे ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसी की जमीन से जबरन रास्ता निकलवा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या सच्चाई है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सम्मानित साथियों, मेरे परिवार की जमीन 5 साल से बिना रास्ते के खेती नहीं हो रही है और मेरा परिवार 5 साल से रास्ते के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ की कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे जो भी माने मधुबन स्थित 23 एकड़ जमीन पर जो रकबा है उसमें सारे लोग हरिजन हैं, दलित समाज से हैं, वो एक भी व्यक्ति अपने खेतों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहाँ के सारे सरकारी रास्ते और जो मेड़ों का रास्ता होता था वो नुकीले तार फेंसिंग करके बंद कर दिए गए, और 2 दिन पहले मुझ पर आरोप लगे हैं
कि आप किसी की जमीन से रास्ता निकलवा रहे हैं, जबकि आप लोग सच्चाई सुनिए। सच्चाई ये है कि 2019 में मेरे परिवार ने मधुबन स्थित ग्राम मधुबन में मैं जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर जब से हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, आज दिनांक तक एक दाना वहां पैदा नहीं हुआ है और ना ही ये लोग वहां जाने देते हैं। कई बार राजस्व के अधिकारियों से निवेदन किया गया कि हमको रास्ता दिलाई जाए, तो हम लोगों ने रास्ते के लिए आवेदन किया, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो रास्ता नहीं होने दे रही हैं। और हमारे अभी वर्तमान जो तहसीलदार साहब हैं, उन्होंने ताकत दिखाई कि हम भाई चलो आप किसान को रास्ता देना न्याय हित में है, तो वो रास्ता देने के लिए गए। लेकिन उस दिन ऐसा कुचक रचा गया, ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि बिना रास्ता दिए वो वापस आ गए। साथियों, हमारी पक्की तरबीन है और सीमांकन है, ये उसकी बाकायदा ये सीमांकन है, ये हम आपको बता रहे हैं, ये सीमांकन है पूरा 1097/4 रकबा का। और ये हमारे राजस्व का आदेश है, राजस्व अधिकारियों का। दूसरा, ये तहसीलदार के बुलावे पे हम लोग गए थे, ये तहसीलदार साहब ने हमको बुलाया था कि आप भी आ जाइए, चूंकि आपके नाम भी यहाँ कुछ हिस्सा जमीन का है, तो हम उनके बुलावे पे वहाँ गए हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि मेरा आज तक ना तो ऐसे किसी उसमें आरोप में नाम आया है, ना मैं इन सब में कभी शामिल रहा हूं, और झूठे और मनगढ़ंत आरोप जिस प्रकार से हम पर लगे हैं, ये वास्तव में गलत हैं, और ऐसे लोगों पर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और मानहानि का दावा करेंगे। इन लोगों ने हमारी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, मेरे पिताजी ने हजारों एकड़ जमीन बंटन में बांटी है, लेकिन आज दिनांक तक एक इंच जमीन उन्होंने अपने पास नहीं रखी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।